हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है हमारा डे 6 दुबई में, और जैसा आज हम आपको बहुत अलग अलग लग रहे होंगे क्योंकि हम अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, हम नहाए भी नहीं हैं, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हमारी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। आज का डे रिलैक्स के लिए है, कल हमारी फ्लाइट है। शाम है हमारा ग्लोबल विलेज का, बट मॉर्निंग में एज सच कुछ नहीं है। अभी उसके लिए डिस्कशन चल रहे हैं कि हमें क्या करना है आज के दिन में, क्योंकि पूरा दिन शाम तक तो वो हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे। बट हमें ऐसा डिसाइड करके चलना है कि हमें कल के लिए एक्टिविटी रखनी है, क्योंकि हमारी फ्लाइट रात में है, और एक तो हमें आज के लिए रखनी है। तभी हमारी डिस्कशंस चल रही हैं इस गेन टॉपिक पे। इतने में हम यहाँ पे रूफ टॉप पे आए थे। यहाँ पे रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल है, ये देखो इधर का ऐसा व्यू आता है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो फिर आगे का डिसाइड करते हैं कहाँ जाते हैं। जब तक हमारा डिसाइड हो जाएगा तो हम वालों को बताते हैं, तब तक ये थोड़ा स्विमिंग पूल में खेल के आ जाएगा। अब हम हो चुके हैं रेडी, और हमने डिसाइड कर लिया है हमें जाना कहाँ है फर्स्ट हाफ में। सो वो है दुबई फ्रेम, क्योंकि हम इससे पहले आई थिंक डे 4 में गए थे दुबई फ्रेम, लेकिन हमने बाहर बाहर से देखा था। हमारे पास सिटी टूर में इंक्लूडेड था, और हमारे पास टिकट्स भी थी, लेकिन उस दिन हमारी कुछ और एक्टिविटीज़ थी, इस वजह से हम नहीं कर पाए। सो आज हम दुबई फ्रेम में जाएंगे पहले, उसके बाद सेकेंड हाफ में हम जाएंगे ग्लोबल विलेज जाएंगे। लेकिन जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा तो करनी पड़ती है। ये देखो गाइस, यहाँ पे हमें गाड़ियाँ ऐसी दिखती है कि आ जाओ, इतनी सी दिख रही है ये। वे अभी हमने खाने का ले लिया है, कुरकुरे लिए हैं, ओरियो आइसक्रीम ली है, और हमने लिए फ्रूट केक। अभी हम मैक्स मेट्रो स्टेशन उतर चुके हैं, और यहाँ से हमें एग्जिट 1 और 3, ये रहा ना टैक्सी बस स्टेशन, तो हमें एग्जिट 3 से बस नंबर 9 पकड़नी है दुबई फ्रेम के लिए। जैसे ये बस नंबर 10 है, वैसे ही हमें बस नंबर 9 पकड़नी है, ये 9 टू दुबई फ्रेम, फॉर दुबई फ्रेम। अब हम बैठ चुके हैं F09 बस में, ये जाएगी डायरेक्ट दुबई फ्रेम, 4 मिनट में पहुँचाएगी हमें। वो जल्दी पानी पी, आ जा अपने पास फ्री का पानी है। अच्छा, हम एंटर कर चुके हैं दुबई फ्रेम में। बस एक ये दुबई फ्रेम रहता था जो हमें देखना था, और आगे इतनी लंबी लाइन है, धूप इतनी कड़कड़ाती है, धूप बहुत ज़्यादा धूप है यार इधर। देखते हैं यार, अभी तो मन तो ऐसा कर रहा है कि बस अंदर एसी में बैठे। इतनी देर से धूप में खड़े थे, अब जाके सोनाली को चैन मिलेगा छांव में खड़े। लेकिन ऊपर देखो सारे खड़े हैं, कोई नहीं बैठा है, लेकिन ये लड़की बच्चों की तरह। सो वी आर अबाउट टू एंटर दुबई फ्रेम। क्योंकि क्या है, दुबई फ्रेम ओल्ड और न्यू को कनेक्ट करता है। पहले ओल्ड दुबई के बारे में इनको क्या पता था। ये लाइन है खुद की, द वर्ल्ड इम्पॉसिबल इज नो वेयर इन द वोकैबुलरी, सारे वर्ड्स है उसके। चलो चलो, लेट्स गो। ओ, तो हम एंटर कर चुके हैं न्यू दुबई है। ये जो आप देखा है वो न्यू दुबई है, और इसी के जस्ट आगे आ जाओ, इधर से आ जाओ, जाएंगे। और ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हो, ये ओल्ड दुबई है। यही था, यही देखा था, पकड़ना हाथ पकड़ना हाथ।
आगे वाले में आ जाओ। फोटो आएगी अपने क्लास वाली की। अंकल अब मत चलो। हाँ एक पैर रख लो, एक पैर रखो, एक पैर रखो और आगे। अरे ऐसे फोटो खींचे ऐसे इसमें सही नहीं खींच। क्या बनाना है? ऐसे चलते हुए क्या चलते हैं? दोनों की बनाएंगे। वे कैसे करें? शेख जायद रोडी वाला है अब ऐसा होगा। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन एडवांस हेल्थ केयर। वो तो कहीं बीमार है ये आई है। शेक है स्कैन कर लिया। अलकोइबा उसके लिए हम यहाँ पर सरोजिनी मेट्रो स्टेशन पे आए हैं और हम आ गए हैं जाम रेस्टोरेंट दोबारा बिकॉज हमें यहाँ का फूड बहुत टेस्टी लगा था। हाउ आर यू? वी आर बैक एट धूप में नहीं बैठे पीछे बैठो हवा देखो। तो अभी हमने खाना खा लिया यहीं पे जाम रेस्टोरेंट पे। हमने खाए फ्राइड राइस कुलचा स्टफ्ड कुलचा और बहुत टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी। जो इसको पसंद नहीं आई ये बहुत अच्छी थी। अरेबिक कॉफ़ी है ये। अभी मेरी स्पेशल आ रहा है। खाना तो खा लिया हमने लेकिन मैडम का पेट तभी भरेगा जब पेट के अंदर गोलगप्पा जाएगा। तो गोलगप्पे का वेट कर रहे हैं और इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम इसी रेस्टोरेंट में आए थे और उस टाइम हमें शादाब भाई मिले थे जो उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी थी हमें। तो आज फिर हमें शादाब भाई मिले हैं जो हमारे सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी करते हैं। बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आओ, शादाब भाई से मिलो, आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ दुबई की जो भी इटनरी बनाओ ना उसमें एक घंटा यहाँ पर आने का कर लो।
खाना खाने का, क्योंकि बिल्कुल इंडियन स्टाइल में फूड होता है इनका, आपको फील ही नहीं होगा कि आप मतलब किसी दूसरी कंट्री में आए। इसके मुखट पे लाली आ गई है क्योंकि गोलगप्पे आ चुके हैं। शादा भाई से मिल लेते हैं। थैंक यू शादा भाई। ओके सर, मिलते हैं। हमारा तो उधर है, फाइनेंशियल सेंटर में। फाइनेंशियल सेंटर में ग्रैंड एमिरेट होटल। चले कल अगर आया तो इधर आना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कल का यहाँ का हुआ कैसा है? आसपास की उस पर अपना जो खाना है ना इधर ही है, नाइट में पूरा फुल रहता है, ऊपर नीचे अपने। अच्छा, ऊपर भी है क्या? ऊपर भी है ना, फर्स्ट फ्लोर के रहा। ऊपर भी है, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू न्यू फोन के लिए, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। ओके भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं अलीपुर देवा बस स्टॉप, जहाँ से हमारी बस है, और वही हम मीना बाजार के थ्रू निकलते हैं, निकलेंगे तो देखते हैं। एक दो चीज़ें और मन में है कि कुछ अच्छा अगर प्राइस मिल गया तो हम और देख लेंगे, क्योंकि टाइम भी है मेन, तो हमें टाइम कम करना है अभी, एक घंटा के आसपास, तो फिर वो देखते हैं। ये छोटा बच्चा, इसको टॉय कौन सा चाहिए? कौन सा है ये? मेरे को ये लग रहा है अच्छा। पूरा मीना बाजार एक और बार भटक के, एक और पॉलिथिन लेके, इसकी चॉकलेट सी खत्म होके भी नहीं रही है, इतनी चॉकलेट को लेती है। अलगुबेवा बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से एक बार देख लेते हैं। दस रुपये धूप है, 60 रुपये। सो अभी हम थोड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि लास्ट प्लेस है जहाँ हमें विजिट करना है। लास्ट ना, लास्ट बेचारे मेरे पैर ना शायद 26 साल में निकले होंगे। हमारे डेली के 25,000 स्टेप्स हो रहे हैं, एवरेज है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, जितनी वॉक करेंगे उतना ही हमारा। तो तब आएगा जब घर जाके वेट बढ़ा, वो कम हुआ ना मिला तो फिर बढ़ा तो होगा। ये है बस है। सो अब ये बस चलेगी 5 बजे, 104 बस नंबर है, अलगुबेवा बस स्टैंड से, अलगुबेवा मेट्रो स्टेशन से काफ़ी पास है ये। तो अगर आपको ग्लोबल विलेज जाना है थ्रू मीना बाज़ार तो आप यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो आपको मॉल ऑफ एमिरेट्स जाना पड़ेगा, वहाँ से 103 बस पकड़नी पड़ेगी। हमने इस बस से एग्जिट कर लिया है, 104 हमारे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के, 10 दिरहम मतलब 230 रुपये लगे हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं सामने एक ग्लोबल विलेज है, और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के एक आप स्टॉल कह सकते हैं, एक जोन बनाया हुआ है जहाँ उनके कल्चर, ड्रेस, डिशेस वगैरह आप सब ट्राई कर सकते हैं। ओके, लुक, सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, चलती ही नहीं है। स्कैनिंग स्कैन हो चुका है हमारा जो बॉक्सर का, अब हम बैगेज स्कैनिंग रूम में जा रहे हैं। एंड दिस इज द ग्लोबल विलेज, माय गॉड, द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द वर्ल्ड, आर्टिफिशियल विलेज। यहाँ पे हर चीज मिल जाएगी आपको, हर एक कंट्री के स्टॉल है। फर्स्ट स्टॉप है हमारा कुवैत, और सारे कुवैत के लोग होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हर चीज़ कुवैत स्टाइल में होंगी, सब चीज़ कुवैत की कंपनीज होंगी, सारे लोग कुवैत के होंगे। स्टॉल है लेकिन केवल कुवैतियन लैंग्वेज में, मतलब यहाँ पे आओ तो अंधा पैसा लेके आओ। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है येमेन, ट्राई तो करके। तो ये माउंटेन का हनी, अच्छा ये यहाँ पे हनी, तो यमन में है स्पाइसेस और हनी, जो हर जगह हनी 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 हनी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज बहरीन, आई थिंक बहरीन में ड्रेसेस हैं, परफ्यूम ड्रेसेस।
थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है लेकिन चीज़ें तो क्वालिटी की है। परफ्यूम आई कॉन्टेक्ट मत करना भाई, यहाँ हो ना किसी से आई कॉन्टेक्ट मत कर लेना, ये तो दो बार फंस चुकी है। अच्छा एक बार तो अच्छा था उसका, 10 दिरहम वाला था, वो तो ले लेंगे। वो ड्रेस में फंस गए थे। तेरे को इजिप्ट लेके चलूं बिना वीजा के? देखो इजिप्ट टाइम तो नहीं लगेगा जाने में। अरे नहीं नहीं, फ्लाइट की भी जरूरत नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस बहरीन से इजिप्ट, जस्ट वॉकिंग देयर नेबर्स। ओ भाई इजिप्शियन भारत के, ओ माय गॉड। हाँ इंडिया में मिल तो जाते हैं, ये ईवेल आई है ना। आज तेरे को इजिप्ट का शो भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टॉप इज मोरक्को। यहाँ कुछ अलग सा लग रहा है, मोरक्कन ड्रेसेस। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यह सऊदी अरेबिया के ट्रेडिशनल गाने। सामने ईरान का है। कीवी मेरे को इंडिया लग रहा है, ये इतना बड़ा तो इंडिया का। ओए दिल्ली वैली, हाँ जयपुर का तो। इंडिया का कितना बड़ा दे रखा है। हाँ यार देखो यार, कुछ खा ले एक बार, अंदर जाया जाते अंदर कुछ खाने का मिले तो। ये देखो सारे इंडियन निकल रहे हैं। कश्मीर बाजार टेक्सटाइल। मस्ट हैव दही पानी पूरी अच्छेगा। दिल वाले दिल्ली वाले। वो स्टॉल देखो कैसे साइकिल वाले हैं, ये का स्टॉल। हाँ वो देखो, हाउ मच फॉर द एंट्री? अब 150 दिरहम के, ये देखो 160 पॉइंट मिलेंगे हमें, वो यूटिलाइज कर सकते हैं हम। ये तो जापान, कोरिया, अमेरिका। ओए अमेरिका देखो, अमेरिका छोटा है, है? इंडिया से छोटा है। हाँ इंडिया से छोटा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टिप्सी गिप्सी काउबॉय, अमेरिकन काउबॉय होते ना, ये पकड़ लो यार, ये मैं तो ऐसे ले लिया। मनीला, मनीला का ये आपका सामान चाहिए ना, चाइना आ जाओ, जमा सस्ता मिलेगा। आओ तो देखो ये वाला, देखो लेट्स सी यू दिस। ओ ये यहाँ पे बैठ चुकी है, शी इज वेटिंग फॉर हर फेवरेट सिंगर। क्या नाम है? है जुबू। जुबिन नौटियाल का शो है। Boy.
तू बारिश मेरी सवेरा मेरा स्टॉल्स हैं, पूरा मार्केट स्टॉल्स। क्या हुआ है अभी? हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते वर्ड्स में। हमने लाइव कॉन्सर्ट देखा है, रूबी नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट हम देख के आए हैं और इतनी पास से कि हमारा आई टू आई कॉन्टेक्ट हो सकता था। आपने अभी देखे होंगे वीडियोस, बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बंदा रॉक स्टार है, रॉक स्टार। हमारा ग्लोबल विलेज कैंसिल हुआ था बारिश की वजह से, तो हम इतने अपसेट थे कि हमारा दुबई में एक दिन वेस्ट हो गया, बट गॉड हैड सम डिफरेंट प्लान। इतना खतरनाक हुआ दुबई ट्रिप का, हाँ। बस बता नहीं सकते। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, 9:30 हो गया है, 10 बजे की बस है। देखते हैं यहाँ थोड़ा खा पी के निकलते हैं। आपको एक बार खाना दिखा देते हैं, पूरा खाने का है ये। मतलब ये मार्केट और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की है, सबका है यहाँ पे। हाँ बट हाँ, आप अच्छे से प्लानिंग करके आओ दुबई की। हाँ, दुबई वाले आपके लिए थोड़ी और प्लानिंग कर देंगे। गाइस, हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनेंशियल सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास। हमारे साथ लॉल ये हुआ कि हमें मेट्रो से आना था, बट मेट्रो जो रेड लाइन है वो बंद हो चुकी थी, तो हम कौन सा था, भुजमन मेट्रो स्टेशन से बस में आए थे। तो उस बस में हमें, हाँ, 500 मीटर पहले उतारा है होटल से, तो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है हमें। हाँ, बस थी ग्लोबल विलेज से, उसने 35 मिनट्स में पहुँचा दिया था हमें। उसके बाद हमने खाना वगैरह पैक करवाया, तो 12 बज चुके हैं और अच्छा दिन गया हमारा। जो प्लान था बिल्कुल उसी हिसाब से हुआ। ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है, एक बार में तो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको पूरा कवर कर सकता है। और हम तो कॉन्सर्ट अटेंड करने लग गए थे, तो हमें वैसे भी टाइम कम लगा, बट बहुत अच्छा, बहुत मतलब बना हुआ है, तो मस्ट ट्राई है। दुबई आओ तो उसके लिए, अभी बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो आज हमारी लास्ट एक्टिविटी थी दुबई ट्रिप की। कल का दिन हमारे पास है पूरा, फ्लाइट हमारी रात की है, तो भी हम लोग जाके देखते हैं, सोचते हैं कि कल क्या करेंगे। कल हम लोग वैसे सोच रहे हैं कि शॉपिंग के लिए ही चले जाएं। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। पुराने व्लॉग ज़रूर देखें हमारे, आपको पता चलेगा दुबई में कैसे कौन सी जगह पे क्या कमीट कर सकते हैं हम, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ से आप पूरा दुबई कैसे घूम सकते हो वो प्लीज़ हमारे व्लॉग में देखें, क्योंकि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया है। हर जगह हम केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब मेट्रो और बस यही यूज़ किया है। सो प्लीज़ उसको चेक करो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और होप सो जो दुबई जाना चाहता है उसके लिए तो यूज़फुल होगा ही होगा, जो नहीं जाना चाहता वो उसको देख के और एक्साइटेड होगा और मोटिवेट होगा और आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और पुरानी वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय बाय और गुड नाइट, और लास्ट में आप फिर से देख लो बुर्ज खलीफा। अब तो ऐसा लग रहा है घर की बात हो गई।